कैसे आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज मेरे पास ये 4.5 किलो का डंबल है, मतलब 4.5 किलो का डंबल नहीं, 4.5 किलो का पैकेट है। इसके अंदर क्या है, वे प्रोटीन। क्या नाम है? गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे आइसोलेट। और इसका जो नाम है ऑन शॉर्ट में, और क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो मेरे पास क्या कर रहा है, स्टूडेंट है, तो सर रिव्यू करो, चेक करो सही या गलत, अमेजोन से मंगवाया है तो भरोसा करते हैं सर के ऊपर, तो क्यों ना हम इसको आज चेक करें कि ये सही है या गलत है या कैसा है। तो वीडियो जरूर बनाया करें, कोई भी सप्लीमेंट आप ऑनलाइन लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, कि आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है कि ये सही है या गलत। वैसे तो अगर आप इसको हाथ में टच करोगे, मैंने जैसे पहले बताया था कि कोई शॉपकीपर है तो वो इसको एक नज़र में ही पहचान लेगा ये सही है या गलत। तो पहले तो आपने इसकी पैकिंग देखनी है, तो पैकिंग मुझे A1 नज़र आ रही है। उसके बाद जो इम्पोर्टर है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था इम्पोर्टर का लोगो कौन है, ब्राइट कम्युनिटीज। तो ये जो ब्राइट कम्युनिटीज है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड को इम्पोर्ट करता है USA से, ठीक है, नंबर 1 ब्रांड है USA का। तो अब इसके बाद देखते हैं इसके ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अभी हम इसको चेक करते हैं। हाँ, तो यहां पर इसकी जो है एक्सपायरी डेट दी हुई है, मैन्युफैक्चर डेट दी हुई है, और लिखा भी हुआ है फॉर एक्सपोर्ट ओनली। तो मैं थोड़ा नजदीक से आपको इसके दर्शन करवाता हूँ, इसको मैं थोड़ा नजदीक से आपको दिखाता हूँ। ये इसका नाम है और ये इसका जो है इम्पोर्टर, ब्राइट कम्युनिटीज, ठीक है, ये कोड होता है। उसके बाद इसका जो वेट है 4.54 kg, 10 lbs, प्रोटीन पाउडर। अब हमने इसको पलट दिया तो आप देख सकते हैं मेड इन USA यहाँ पर है, फॉर एक्सपोर्ट ओनली, और यहाँ पर जो है इसकी डेट्स लगी हुई हैं, और ये सारा जो है इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं A to Z इस बॉक्स, इस पैकेट के ऊपर दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, सर्विंग साइज 1 scoop 32 ग्राम, इसको चेक भी करेंगे, और ये कितनी बता रहा है, 141 सर्विंग, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या डिटेल में, तो वो आपको फिर बताएंगे। फिलहाल तो ये जो 32 ग्राम है, 32 ग्राम में से 24 ग्राम हमें क्या देगा, प्रोटीन देगा, ठीक है। तो गुड है आइसोलेट। इसका प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अमेजोन पर कितने में पड़ा है उसको। तो मैन्युफैक्चर बाय ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, कंटेन्स मिल्क एंड सोए, ठीक है, वे प्रोटीन है, तो ये मिल्क से बना हुआ है। तो ये पूरा मैंने इसके दर्शन करवा दिए। टेस्ट इसका एक्सट्रीम मिल्क चॉकलेट, और यहाँ पर दिया हुआ है 24 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA, 4 ग्राम ग्लूटामिन एंड ग्लूटामिक एसिड जो इसके अंदर मिलेगा। तो ज़बरदस्त है इसकी कॉन्फ़िगरेशन गाइस, 100% ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम वे। तो चलो अब इसको खोल के देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि कहीं ये पहले से खुला हुआ तो नहीं है। तो ये हमने इसकी ऊपर से सील ओपन कर दी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई यानी कि कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। अब हमें इसको कट करना है यहाँ से, ठीक है, ये आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। तो मेरे पास ये सुई है, मैं सुई से इसको बिल्कुल कट कर देता। तो खुशबू जो है वो बाहर आने लग गई है बॉक्स में से, देख सकते हैं आप बॉक्स के अंदर पाउडर भरा हुआ है। तो अभी तो चेक करना है कि ये असली है या नकली। देखो अभी तक तो बिल्कुल ओके है। पहले हमें तो गाइस सबसे पहले तो हमें इसमें से क्या करना है, स्कूप ढूंढना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड का जो स्कूप है वो है तो है कहाँ। और बड़ी ही आसानी से हमें ये स्कूप मिल गया, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये स्कूप है गोल्ड स्टैंडर्ड का, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर ये ऑन लिखा हुआ नज़र आ रहा है,
ठीक है गाइस, ऑन, यानी कि ये ओरिजिनल है। तो गाइस देख सकते हैं अभी जो इसका वेट है वो 0 ग्राम। अब हम इसमें से सप्लीमेंट भर लेते हैं स्कूप में, इसको हम ऊपर तक भर लेते हैं इस तरह से, और अब इसमें डालते हैं कि कितनी सच्चाई है, 32 ग्राम। ठीक है, तो ये 30 ग्राम है, तो थोड़ा बहुत पूरा नहीं हो पाया, एक बार दोबारा से फिर ट्राई करते हैं। हमने इसको ऊपर तक भर लिया, 33 ग्राम, यानी कि ज्यादा ऊपर भरोगे तो 33, कम करोगे तो 30, यानी कि नियर अबाउट ये 32 ग्राम के आसपास ही है। तो अब हम इसको डाल देते हैं, यानी कि जो स्कूप कहानी कह रहा है वो बिल्कुल सही कहानी कह रहा है। ये रही बोतल और ये रहा गिलास। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मिक्सिबिलिटी चेक करेंगे और इसका टेस्ट चेक करेंगे कि जैसे कि ये कह रहा है एक्सपी मिल्क चॉकलेट, क्या इसमें से चॉकलेट का टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा और पानी, पानी को रख देते हैं साइड में। अब बारी है एक स्कूप की, ये गाइस ये रहा स्कूप, और हम इसको इसमें डालेंगे। अभी ये वे प्रोटीन है तो इसका मतलब इसको घुलना चाहिए, देखना है कि ये एक बारी में घुलता है या नहीं, या पल्प बनते हैं इसके अंदर। मैजिक ऑन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, इसलिए ये फेवरेट है। जैसे ही डाला 3-4 बार चम्मच घुमाया और ये घुल गया। तो यहाँ पर भी ये क्लियर हो गया भाई, मिक्सिबिलिटी तो इसकी ज़बरदस्त है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की। इसको थोड़ा मैं करीब से भी दिखा देता हूँ आपको इसका कलर। जो नकली सप्लीमेंट होंगे गाइस वो आपको अलग से ही नज़र आएगा, वो आपको अलग से ही नज़र आएगा। तो अब हम इसका टेस्ट करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस मैंने इसकी मिक्सिबिलिटी चेक करके दिखा दी और इसको मैंने 1-2 मिनट तक ऐसे ही रहने दिया। तो कईयों में क्या होता है, जो नकली सप्लीमेंट होते हैं उसमें अलग अलग हो जाता है, पानी अलग से हो गया, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ओके है मेरी नज़र में। तो अभी हम इसका टेस्ट चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सट्रीम मिल्क चॉकलेट। पहले तो आप दोनों का कलर देखें कि कलर सेम आ रहा है, ठीक है ना, डार्क ब्राउन डार्क ब्राउन, दोनों का कलर जो है वो सेम है। तो अब बात आती है इसकी टेस्ट की, कि टेस्ट कैसा है, चॉकलेट जैसा है या नहीं। तो टेस्ट इसका वाकई चॉकलेट वाला है, जैसे कि कोई डेयरी मिल्क हो तो एक्सट्रीम मिल्क चॉकलेट। तो टेस्ट में 10 में से 10 मार्क्स, कोई भी इसमें डुप्लीकेसी नहीं लग रही, बिल्कुल चॉकलेट वाला टेस्ट है। लास्ट टाइम मैंने आइसोलेट मसल फार्म का किया था, उससे भी बेटर टेस्ट है इसका। लेकिन वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। तो टेस्ट में इसको 10 में से 10 मार्क्स। अगर आपने टेस्ट पर जाना है तो एक्सट्रीम मिल्क चॉकलेट ही पसंद करना ओन का। तो मेरी नज़र में इसका रिव्यू मैंने किया, बिल्कुल लाइव रिव्यू किया, ये बिल्कुल ओके प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जो वेजिटेरियन लोग हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल ओके प्रोडक्ट है, क्योंकि दूध से बना है। तो उम्मीद है आपको इसका जो रिव्यू है अच्छा लगा होगा। मिक्सिबिलिटी भी मैंने दिखा दी आपको, और इसका हमने वेट भी चेक कर लिया, बिल्कुल जैसा स्कूप में जैसे बैग के ऊपर लिखा था वैसा ही हमें मिला। तो मेरे मुंह में इसका जो टेस्ट है वो अभी घूम रहा है, ठीक है ना। आप जीभ से भी आप बता सकते हैं कि हाँ ओरिजिनल है या फेक है। तो हमारी नज़र में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन जो है वो पास हो गया, खरा उतर गया। तो कभी भी अगर आपने लेना हो, ठीक है ना, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, ये आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि USA की नंबर 1 कंपनी है और थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मार्केट में फेक भी बहुत ज़्यादा है,
जैसा मैंने आपको बताया कि इंपोर्टर चेक करें, इसकी एक्सपायरी चेक करें, सब कुछ अच्छे से तसल्ली से चेक करें, ठीक है ना, तभी आपने इसको लेना है। अगर गलत है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर आगे फिर से मिलेंगे एक नए सप्लीमेंट के रिव्यू पर। जैसे ही मेरे पास कोई सप्लीमेंट आएगा तो हम उसका फिर रिव्यू करेंगे। तो जबरदस्त सप्लीमेंट है A1।